गैज, आप में से कई लोगों ने ये बात सुनी होगी कि कंटेनराइजेशन करके काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। आप लोगों ने डॉकर का नाम बहुत जगह सुना होगा, लेकिन आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि डॉकर क्या होता है, क्यों होता है और डॉकर यूज़ करने का यार फ़ायदा क्या है। कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है, मैं क्यों अपने ट्रेडिशनल मेथड से हटके डॉकर की मदद से डिप्लॉय करूँ। व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, मेरा नाम है हैरी और आज मैं आपको बताऊंगा डॉकर क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों फ़ायदेमंद नहीं है और इसको आपको क्या इस्तेमाल भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले डॉकर के बारे में बता देता हूं। देखो भाई, डॉकर एक कंपनी है, ठीक है, जो कंटेनर्स प्रोवाइड करती है। अब डॉकर जो है वो कंटेनराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करती है। मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो जीमेल है हमारी, गूगल, जो कि हमें ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ईमेल सर्विसेज क्योंकि जीमेल प्रोवाइड करती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको जीमेल के बारे में बताऊंगा, मैं आपको ये कहूंगा मैं ईमेल्स के बारे में बताऊंगा कैसे भेजते हैं। उसी तरह डॉकर जो है वो कंटेनराइजेशन का इस्तेमाल करता है। अभी कंटेनराइजेशन क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी आप एक सर्वर में अपनी कोई ऐप डिप्लॉय करते हो, जब मैं ऐप बोल रहा हूँ मैं ज़्यादातर मैं वेबसाइट को रेफर कर रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आप लोग वेबसाइट नहीं, कोई रेस्ट सर्विस मान लीजिए आपने फ्लास्क की मदद से बनाई, या फिर मान लीजिए आपने कोई ऐसा फ्रेमवर्क यूज़ किया जो ऑटोमेटिकली एक HTTPS सर्वर बना देता है, तो उस तरह के अगर फ्रेमवर्क को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग को 10 तरह की झंझट होते हैं। चलो मान लो आप एक वेबसाइट ही बना रहे हो, मान लो एक फ्लास्क में वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि मैंने अपने इस चैनल पर आपको बना के दिखाई हुई है फ्लास्क में वेबसाइट। अगर आप उस तरह की ही वेबसाइट बना रहे हो तो क्या होगा, आपको 10 झंझट होते हैं। आपको कभी जावा इंस्टॉल करना पड़ता है, कभी कोई पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, कभी आप लोग को प्रॉक्सी सेट करनी पड़ती है। अगर आप लोग एक वेब डेवलपर हैं तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्या क्या झंझट होते हैं। एक मशीन को आपने पूरा एकदम सटा दिया, उसमें सारी चीज़ें आपने डाल दी जो ज़रूरी हैं आपकी ऐप के लिए। अब क्या होता है, अब आप कहते हो अपने मैनेजर से, अगर आप किसी कंपनी से में काम कर रहे हो, या फिर मान लो आप प्रोजेक्ट है स्कूल का, तो आप कहते हो सर मैंने अपने इस सर्वर पर जो है इंस्टॉल कर दी है ऐप, आप जाकर इस पर देख लो। अब अगर वो आपसे कहते कि यार इस सर्वर से हटा के ना यहाँ के सर्वर पे इंस्टॉल करो, तब आपका दिमाग ख़राब हो सकता है। आप कहोगे यार मैंने क्या किया था, मुझे याद भी नहीं है, मैंने Ubuntu इंस्टॉल किया था, कौन सा वर्जन था Ubuntu का, कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया था, क्या किया था। और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपने एक ऐप बनाई है, वो आपके एक कंप्यूटर में काम कर रही है, वही ऐप आप दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हैं, वो काम नहीं कर रही है, तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यार। बिल्कुल मैं इस बात से पूरा एग्री करता हूँ कि हम ही कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन कभी कभी यार इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार ये यहाँ चल रही है, यहाँ क्यों नहीं चल रही है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डॉकर कंटेनर, या फिर कंटेनराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करता है। अब ये कंटेनर क्या है, सबसे पहले मैं वर्चुअल मशीन के बारे में बताता हूँ क्या है। वर्चुअल मशीन के बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे, एक मशीन होती है आपकी, एक Ubuntu की मशीन है, मान लो आपने डिजिटल ओशन से $5 या $10 का सर्वर खरीद लिया, ठीक है, $10 पर मंथ का सर्वर। अब उस सर्वर पर मान लो आप लोगों ने चीजें अपनी इंस्टॉल करी, आप उस मशीन के अंदर एक और मशीन बना सकते हो, उसे कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। जैसे कि आप VMware नाम का एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपको नहीं पता आप सर्च करो VMware, अगर आप उसको डाउनलोड करोगे तो आप लोग अपने विंडोज मशीन में भी एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो। आप Ubuntu बना सकते हो, आप कोई भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो, तो वो वर्चुअल मशीन बनाकर आप उसके अंदर काम कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, वो उसको पूरी मशीन सेटअप करनी पड़ती है आपके कंप्यूटर के ऊपर, उससे क्या होता है आपके कंप्यूटर डेफिनेटली स्लो होगा ही होगा, और उसको सारी चीज़ें प्रदान करनी पड़ेंगी, CPU, उसको वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके रैम प्रोवाइड करनी है, उसको एक पूरा कर्नल प्रोवाइड करना है OS का, और क्या कुछ नहीं करना है। अब डॉकर क्या करता है, डॉकर थोड़ा समझदारों वाला कॉन्सेप्ट है। वो क्या करता है, वो कहता है कि यार देखो हमको तो करनी है सिर्फ ऐप को डिप्लॉय, हमको अपन को सिर्फ वेबसाइट को होस्ट करना है और यही हमारा टारगेट है। तो डॉकर क्या करता है ना, डॉकर कहता है कि चलो यार एक काम करते हैं, सिर्फ आपकी वेबसाइट को होस्ट करने जितने रिसोर्सेज जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस मशीन से। और वो क्या करता है, एक पूरा OS क्रिएट नहीं करता है, डॉकर वर्चुअल मशीन से एकदम हटके कॉन्सेप्ट है, ये कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब डॉकर कंटेनर क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कंटेनर सिर्फ आपके एक सिस्टम में से उतनी रिसोर्सेज लेंगे जितनी रिसोर्सेज उनको चाहिए। इसको मैं समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने एक फ्लास्क ऐप इंस्टॉल करनी है अपने एक सर्वर पे, मुझे Ubuntu चाहिए होगा, मुझे अपाचे चाहिए होगा, मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए होंगे, वो मैं सारे के सारे इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। मैंने एक बार इंस्टॉल कर लिया अपने सर्वर पे, एक डॉकर इमेज बना ली उसकी, अब उस डॉकर इमेज को मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ और उस डॉकर इमेज से एक कंटेनर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब ये बातें आप लोग को थोड़ी सी ऐसी लगेंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मैं प्रैक्टिकल करके ना दिखा दूँ आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली ये चीज़ें, अगर आप लोगों ने डॉकर में पहले कभी काम नहीं किया ऑब्वियसली। तो इमेज क्या होता है, इमेज से कंटेनर बनता है, तो एक डॉकर इमेज कंटेनर बनाने का ब्लूप्रिंट होता है।
अब वो ब्लूप्रिंट आपको एक बार मिल गया, अब वो ब्लूप्रिंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो ब्लूप्रिंट आपका पूरी कॉपी पेस्ट फाइलें हो सकती हैं, या फिर वो ब्लूप्रिंट ये हो सकता है कि पहले उबंटू इंस्टॉल करो, फिर एप्टगेट अपाचे करो, फिर एप्टगेट अपडेट करो। पहले एप्टगेट अपडेट करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस में अगर आप लोगों को कुछ कमांड्स चलाने हैं तो आप उस डॉकर फाइल में उसको डाल सकते हो और एक डॉकर इमेज बना सकते हो। अब ये सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं बताने वाला हूँ, और मुझे काफ़ी क्वेश्चंस यार मिलते हैं नीचे कमेंट्स में कि क्या होता है हैरी बाई कंटेनर, क्या होता है डॉकर, क्यों यूज़ करें डॉकर जब मैं एक मशीन खरीद के अपनी ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ। दोस्त देखो, डॉकर इसलिए इस्तेमाल करना है कि हैसल खत्म हो जाता है। अब आप लोग तो छोटी छोटी ऐप इंस्टॉल करते हो, इवन मैं भी कोई एक बहुत बड़ी लेवल की ऐप नहीं बना रहा हूँ अभी कि जिसमें बिलियंस ऑफ यूज़र्स हों, लेकिन अगर हम कल ऐसी ऐप बनाने लग जाएं तो क्या हम बार बार अपना दिमाग ख़राब करेंगे जावा इंस्टॉल करने में, पाथ सेट करने में, पिप नहीं कभी रिकॉग्नाइज हो रहा है, कभी पाइथन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज वाला एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक डॉकर इमेज बना लेंगे और जब भी मुझे उस इमेज का कंटेनर बनाना होगा मैं उठा के उसको कंटेनर में डाल दूंगा। अब ये कंटेनर में आप लोग कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये है मेरी मशीन, इसके अंदर मैंने डाल दिया डॉकर कंटेनर, ठीक है। अब क्या होता है, ये डॉकर इमेज जो मैंने आप लोग को बताया अभी, उससे बनता है डॉकर कंटेनर। तो मैं उस इमेज से डॉकर कंटेनर बना लूंगा एक, मान लीजिए मेरा हैरी नाम का एक डॉकर कंटेनर इस मशीन पे चल रहा है। अब इस मशीन में मेरा जो डॉकर कंटेनर चल रहा है, मैं उस कंटेनर के अंदर घुस सकता हूँ। मान लो मैंने उसमें उबंटू इंस्टॉल किया हुआ है, मैं उसके अंदर घुस सकता हूँ, उसके अंदर कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं उन चेंजेस को कमिट कर सकता हूँ। बिल्कुल गिट की तरह मैं कमिट करूंगा उन चेंजेस को और उसको एक दूसरी फाइल में सेव कर लूंगा, एक दूसरी इमेज में, और इस इमेज से मैं किसी तीसरे कंप्यूटर में सेम चीज कर सकता हूं। तो आप लोग जो है इस चीज को ट्राई जरूर कीजिए। डॉकर की बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन डॉकर की वेबसाइट पे गिवन है। फाइलें डॉकर की अगर मैं फिर से बात करूं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, साइज कम हो जाता है, और ये एक वर्चुअल मशीन नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि डॉकर एक वर्चुअल मशीन है। हाँ, ये कंसेप्ट का यूज़ करता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है कंटेनराइजेशन के और वर्चुअलाइजेशन के, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। मैं इस चैनल पर जल्दी ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर कैसे बनाते हैं, कंटेनर सेव कैसे करते हैं, डॉकर इमेज कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात मैं आप लोग को बताता हूँ, डॉकर हब क्या होता है। जैसे कि आपको इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें डाउनलोड करने को मिल जाती हैं, गिटहब से आपको काफ़ी कोड मिल जाता है, उसी तरह डॉकर हब एक हब है, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी होस्ट करने का हब है जिसमें डॉकर की इमेजेस होस्ट होती हैं। अब आप वहाँ से इमेज को पुल कर सकते हो और अपनी मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है डॉकर की इमेज को प्राप्त करने का और उससे एक कंटेनर बनाने का। और जहां तक बात आती है सिक्योरिटी की, डॉकर की यार एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है तो ऑब्वियसली वो सिक्योर तो होगा ही होगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बड़ी कम्युनिटी है तो उसमें कोई सिक्योरिटी इशू ना आए, लेकिन डॉकर के बारे में आप लोग को बताता हूँ, आप लोग यूज करेंगे और एक बार आप समझ गए कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कमांड्स हैं 2, 4, 5, 6, एक बार आप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट तो आपको मजा आने लगेगा और आप लोग डॉकर के बिना शायद डिप्लॉय ही नहीं करेंगे। कभी कभी तो इतना प्यार हो जाता है यार डॉकर से। तो जाओ यार, जब तक मैं इस चैनल पर ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ तब तक आप लोग डॉकर सर्च करो गूगल पे और वहाँ पर जाओ, उनका एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल उन्होंने दिया हुआ है यार, इंग्लिश में ट्यूटोरियल अच्छे से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो हिंदी में तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस तरह के क्या वीडियोज़ आप लोग और देखना चाहते हो ये मुझे ज़रूर बताओ यार कमेंट सेक्शन में। तो गिव मी अ लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।